Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UPSC Commerce as well as Management Optimal. Now I know that the moment you decide that you have to start preparing for UPSC, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपके दिमाग में आने लगते हैं, पॉप अप करने लगते हैं. So what I have done today is I have made a comprehensive list of at least 10 of these things जो आपके दिमाग में होंगे, which you have to keep in mind before you start with your UPSC preparation or before you start with your UPSC journey. ये ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं जो काफी सारी बुक्स पढ़ के, काफी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके, काफी सारे टॉपर्स से बात करके, उनसे डिस्कस करके, उनकी वीडियोस देख के मैंने कोलेट किए हैं. एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इन 10 पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, यू विल बी एबल टू प्रिपेयर वेल फॉर योर यूपीएससी एग्जाम्स. ठीक है, तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट. पहली चीज क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इज दैट यू शुड बी हैविंग अ प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों, इसको प्लीज एक बार समझ लीजिए. आपका जो पूरा सिलेबस है यूपीएससी का, चाहे वो जीएस पेपर्स का हो या फिर मेंस ऑप्शनल का हो, इट्स अ कंप्लीट ओशन. और अगर आप हर चीज को डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सिलेबस हमेशा प्रिंट आउट के फॉर्म में हो, ताकि आप उसको रेफर कर सकें, आप उसको रीड कर सकें, और हर एक टॉपिक जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए. देखिए होता क्या है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती है. यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स, स्पोर्ट्स न्यूज है, एडिटोरियल्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो जनरिक अवेयरनेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं. तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं. तो अब होगा क्या कि लेट्स से कि आप अपने कॉमर्स ऑप्शनल से आपने सिलेबस को देख लिया, आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया है, या लेट्स से मैनेजमेंट ऑप्शनल के टॉपिक्स को पढ़ रखा है. अब एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आए. हो सकता है कि आप ट्रेड रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ ट्रेड, और आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में अच्छे से तैयारी कर चुके हैं. नाउ साइमल्टेनियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जीएस और आपकी नजर एक आर्टिकल पे पड़ती है, जहां पे एक आर्टिकल लिखा होता है कि भाई हाउ इज द ट्रेड परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ इंडिया इन द पास्ट 30 ईयर्स. ठीक है, या पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, हाउ हैज द ट्रेड चेंज और हैज शिफ्टेड इट्स पैटर्न. अब ये जो टॉपिक है, अगर आपको, आपने सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपको सिलेबस का हर एक टॉपिक पता है, हर एक एस्पेक्ट पता है, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजेगी कि यार ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको मुझे पॉइंट्स बना के नोट डाउन कर लेना है, सो दैट आई कैन ऑल्सो यूज इट फॉर माई जीएस पेपर एंड आई कैन ऑल्सो यूज द पॉइंटर्स इन माई कॉमर्स और मैनेजमेंट ऑप्शनल. तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास सिलेबस हैंडी होगा और आप सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक को ही ज्यादा वेटेज देंगे या उन पे फोकस करेंगे. अगर आप रैंडमली कुछ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ पढ़ लेता हूं, यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट तो ये है. दूसरा एस्पेक्ट क्या है, गोइंग थ्रू योर पास्ट ईयर पेपर्स. अब इनको गो थ्रू करना क्यों जरूरी है, टू हैव अ ब्रॉड आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक टॉपिक उठाया और आपने ऑब्जर्व किया कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर 15-20 स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो सिलेबस में आपके मेंशन है, व्हाटएवर इट. ठीक है, अब आपको ये पता ही नहीं है कि यार इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते. आप किसी भी सिलेबस, किसी भी पास्ट ईयर पेपर को उठा के देख लो, उसके अंदर हमेशा शॉर्ट नोट का ही क्वेश्चन है. ठीक है, प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट देन सिंस द सिलेबस इज सच, द काइंड ऑफ सिलेबस इज सच कि अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस अलग से आते हैं और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन है वो अलग से आते हैं. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड कि यार किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑफ कोर्स इफ यू हैव टाइम, अगर आपको लगता है कि टाइम है, तो आप कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड केस स्टडीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके दिमाग में एक ब्रॉड इमेज होनी चाहिए कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं. बिकॉज अगर वो आप नहीं देखोगे तो आप क्या करोगे, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लग जाओगे, विच इज नॉट वर्थ इट. तो आपको इनपुट आउटपुट रेशियो भी दिमाग में रख के चलना है, इसीलिए पास्ट ईयर पेपर्स देखने बहुत जरूरी है. ठीक है, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न पिछले 4-5 सालों से फॉलो किया जा रहा है वही पैटर्न आगे फॉलो हो. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस को स्टिक करके चलना है, हर चीज पढ़नी है, बट ओवर डिपेंडेंस नहीं करनी है कि यार पास्ट ईयर पेपर्स में इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए तो अगली बार भी इसी टॉपिक से आने के चांसेस हैं. तो हर टॉपिक को कवर करिए, पास्ट ईयर पेपर से आइडिया लीजिए, एनालाइज करिए, बट डू नॉट गेट ओवरली डिपेंडेंट ऑन दोस टॉपिक्स और क्वेश्चंस. ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, एवरी टॉपिक यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स. अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करिए. कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से टॉपिक को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और जब वो लिखने बैठते हैं आंसर, उनकी एक क्वेरी मेरे पास अक्सर आती है कि सर हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ था, हमने पढ़ा बहुत कुछ हुआ था, बट वेन वी स्टार्टेड राइटिंग इट वी वर नॉट एबल टू राइट और एक्सप्रेस आवरसेल्फ. ये इसलिए होता है क्योंकि हर टॉपिक को कभी आपने लिख के देखा ही नहीं है. अगर आप हर टॉपिक को लिखने की कोशिश करेंगे, लेट से आपने एक MIS के एक टॉपिक से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक पढ़ा, या लेट से आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के टॉपिक में से आपने पर्सनैलिटी का टॉपिक पढ़ा, यू शुड बी केयरफुल इनफ
कि हर पर्सनालिटी थ्योरी जो भी है, जो भी पर्सनालिटी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, जो भी मोटिवेशनल थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, वेदर यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट अ शॉर्ट नोट आंसर बेस्ड क्वेश्चन ऑफ मिनिमम 250 वर्ड्स। अगर आप 250 वर्ड्स में उस टॉपिक को लिख पा रहे हैं, वेल एंड गुड, मूव अहेड। अदरवाइज यू नीड टू स्टॉप देयर, यू नीड टू स्पेंड सम टाइम रीडिंग दोस टॉपिक्स एंड देन यू शुड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग और बेसिक राइटिंग ऑन दोस टॉपिक्स ऑल्सो। तो किसी भी टॉपिक को जंप मत करिए अनटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप 250 वर्ड्स लिख पाएंगे, क्योंकि 250 वर्ड्स एक बेयर मिनिमम वर्ड्स हैं जो आपको हर टॉपिक के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन, उतना कंटेंट तो आपके पास होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि क्वांटिटी पे फोकस करना है, बट उतना वर्ड्स अगर आप लिख पाएंगे, 250 वर्ड्स लिख पाएंगे, सो एटलीस्ट यू हैव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट एवरी टॉपिक। ये कोई जरूरी नहीं है कि 5 टॉपिक में तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल नॉलेज है और बाकी कुछ ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जिनमें आपको बेसिक्स भी नहीं पता है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज आवर फोर्थ पॉइंट? तो फोर्थ पॉइंट इज हैविंग अ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स है, स्टैट्स एंड एग्जांपल्स। अब काफी सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्टेंट पढ़ लेते हैं, दे कीप ऑन रीडिंग इट, 2 बुक 4 बुक बहुत सारी बुक्स उठा के पढ़ लेते हैं, बट दे फॉरगेट कि एक अच्छा आंसर लिखने के लिए, एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर लिखने के लिए आपको उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स देने होते हैं, आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देनी होती है अपने आर्गुमेंट को प्रूव करने के लिए, साथ साथ एग्जांपल्स देने होते हैं। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेट्स से हमने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से मैं एक मार्केटिंग का एग्जांपल ले लेता हूं कि मार्केटिंग के टॉपिक के अंदर आप सप्लाई चेन पढ़ने की कोशिश करें, यू अंडरस्टूड कि भाई व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सप्लाई चेन ऑन मार्केटिंग, या किस तरीके से सप्लाई चेन का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्ट को मार्केट करने में, ठीक है? नाउ अगर आपने रिसेंट ईयर्स में देखा हो तो कोविड पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट के बारे में बात करें, उन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए थे जिसके बारे में लगातार न्यूज में आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो वहां से आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते थे। सो नाउ लेट से कि अभी एक पास्ट ईयर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट वर द वेरियस मेजर्स और इनिशिएटिव्स यूज्ड बाय अमेजन एंड फ्लिपकार्ट टू मैनेज देयर सप्लाई चेन ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको सिर्फ थ्योरी पता है, ठीक है, आपको सिर्फ थ्योरी के बारे में पता है कि भाई क्या क्या सप्लाई चेन मेथड्स होते हैं, तो आप एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर नहीं लिख पाएंगे, बट अगर आपने उसको रिलेट किया हुआ है किसी न्यूज आर्टिकल से, बिकॉज न्यूज में लगातार खबर आ रही थी कि क्या क्या वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स यूज बाय देम, तो अगर आपने पहले थोड़ा सा थ्योरी का डिस्क्रिप्शन दे दिया दैट हाउ डज सप्लाई चेन कैन बी यूज फॉर मार्केटिंग, उसके बाद आपने कुछ करंट अफेयर्स, कुछ आपने रिसेंट एग्जांपल्स उठा लिए, लेट्स से आपने कह दिया कि भाई जो होम डिलीवरी सिस्टम है या जो वर्चुअल सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, कई बार न्यूज आ रही थी कि कुछ रोबोटिक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था फूड्स को डिलीवर करने में कुछ पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में, ठीक है? तो बेसिकली ये जो भी करंट अफेयर्स है, अगर आपने थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स प्लस कुछ एग्जांपल्स जहां पे आप एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, इफ नॉट इंडिया तो कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स का इस्तेमाल कर सकते थे, अगर वो आपने सारे कंपोनेंट्स लिखे होते उस पर्टिकुलर आंसर में तो वो एक कॉम्प्रहेंसिव आंसर बन जाता। सो सिर्फ थ्योरी पे रिलाई मत करो कि यार मुझे थ्योरी पता है मैं आंसर लिख लूंगा, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एंड्योरेंस, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इग्नोर करके चलते हैं। आपके यूपीएससी का पैटर्न ऐसा है, अगर मैं यूपीएससी के एग्जाम के बारे में बात करूं, विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टैमिना, तो अगर आपको यह प्रैक्टिस ही नहीं है कि आप एक दिन में बैठ के 3-3 घंटे मतलब 6 घंटे ऑथेंटिसिटी के साथ, एक्यूरेसी के साथ आंसर लिख पाए, तो आप एग्जाम में नहीं अपियर कर पाएंगे अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने क्या प्रैक्टिस किया, आपने 3 घंटे की प्रैक्टिस करी है। कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, 3 घंटे भी सिस्टमैटिकली एक स्ट्रेच में बैठ के 3 घंटे आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, साथ साथ एंड्योरेंस, स्टेमिना डेवलप करना बहुत जरूरी है कि क्या आप 6 घंटे बैठ के आंसर राइटिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। होता क्या है, एक दिन आपने प्रैक्टिस करी, 2 दिन आपने प्रैक्टिस करी, फिर आपने छोड़ दिया, तो होगा क्या कि जब आप एग्जाम में बैठोगे आप लिख ही नहीं पाओगे, 2 दिन के बाद आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, योर फोकस शुड बी कि यार मैं बैठ के 6 घंटे प्रैक्टिस करने की कोशिश करूं, 3 घंटे एक मॉक लिखिए, 3 घंटे एक मॉक लिखिए, ताकि आपका एंड्योरेंस भी डेवलप होता रहे, ठीक है? तो एंड्योरेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, इस पर एक सेपरेट वीडियो में भी मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने बहुत सारे पॉइंटर्स बताए थे, बट स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, डू नॉट जस्ट ओवर फोकस ऑन रीडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं रीडिंग करते जाते हैं और सोचते हैं यार लास्ट में आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग इज नॉट समथिंग दैट कैन बी लर्नड ओवर अ डे, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आंसर राइटिंग की स्किल नहीं डेवलप की जा सकती। एक अनुसर की भी बहुत अच्छी वीडियो है जहां पे अनुसर और मनुसर ने बहुत लंबा डिस्कशन किया है, जहां पे स्पेसिफिकली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि किस तरीके से आंसर राइटिंग जो है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन।
तो जैसे ही आपको लगता है कि आपने एक पटला सब्जेक्ट का 30% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है, स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. इनिशियली कुछ आंसर्स बहुत बुरे निकलेंगे, एवरेज निकलेंगे, बट विथ टाइम यू आर गोइंग टू रियलाइज कि आपको क्लैरिटी आती जा रही है, आप कोहरेंस बना पा रहे हैं, आप एक फ्लो बना पा रहे हैं आंसर राइटिंग के अंदर, और आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स इंप्रूव हो रहे हैं. तो यू विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, बट उसके लिए क्या जरूरी है, दैट यू स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग एज सून एज पॉसिबल. डू नॉट जस्ट लिंगर अपॉन कि यार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेता हूं फिर आंसर राइटिंग करना हूं. ठीक है, that is one aspect. Next aspect is the point of revision. तीन बार कम से कम, जिस तरीके से आपका सिलेबस है, तीन बार कम से कम आपको आपका सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए. अगर आपको यह लगता है कि यार आज मैंने एक सब्जेक्ट उठाया पर अब तीन महीने बाद उस सब्जेक्ट को उठाऊंगा तो मुझे याद रहेगा, नहीं याद होने वाला. ठीक है, आपको याद ही नहीं रहेगा. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि यार अगर एक महीने पहले मैंने एक सब्जेक्ट कवर किया है तो उसके 15 दिन बाद मैं उसको रिवाइज करूं, फिर तीसरी बार उसको लेट से 15 दिन बाद फिर से रिवाइज करूं. एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी रिवीजन के लिए, बिकॉज इफ यू लीव अ सब्जेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ लेट से 2 months, 2 महीने के लिए आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर नजर भी नहीं डाली. बिकॉज अगर मैं कॉमर्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो 6 से 10 सब्जेक्ट हैं दोनों मेन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर. तो अगर आप उन सब्जेक्ट को इग्नोर करके चलोगे, यू आर गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग. So do not do that. Focus on comprehensively and systematic revision of your entire syllabus. ठीक है, next point के बारे में बात करते हैं. You have to do a proper cost and benefit analysis. अब ये मैं किस context में कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ. कई बार students को क्या लगता है कि जब वो पूरा syllabus देखते हैं, for example अगर मैं management optional के बारे में बात करूँ, तो उस particular subject में मुझे एक common query क्या आती है कि सर हम statistics छोड़ देते हैं, quantitative techniques वाला subject छोड़ देते हैं और operation छोड़ देते हैं, then बहुत ज़्यादा उस पर focus नहीं करते हैं क्योंकि हमारा numerical weak है. Now what you have to understand here, कि आपको cost benefit analysis करना जरूरी है. खुदा न खास्ता आप ये सोच के चलिए कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट है, उसके अंदर लेट्स से क्वेश्चंस बहुत टिपिकल आ गए. तो हुआ क्या, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी गए और जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो भी गए. तो आपको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलना है कि यार अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ के भी चला जाता हूं तो क्या हो सकता है. एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि क्वांटिटेटिव टेक्निक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल बिजनेस से आ जाएगा और एक लेट से ऑपरेशन रिसर्च से आ जाएगा या ऑपरेशन मैनेजमेंट से आ जाएगा. एटलीस्ट जो उसके इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन है आप वो तो सही कर पाओगे ना. अगर आप ऑल टुगेदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ दोगे या अगर आप उसको कॉम्प्रेहेंसिवली कवर करके नहीं जाओगे, टॉपिक्स मिस आउट करके चले जाओगे या सिलेक्टिव स्टडी करके जाओगे, क्या गारंटी है कि बाकी क्वेश्चन आप सही कर पाओगे. एंड किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, विच यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट 5 good answers देन राइटिंग 4 best answers. तो रैदर देन ये सोचने के कि यार मैं बाकी पढ़ लेता हूँ, बाकी अच्छे से लिख लूंगा और एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा या एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा, इट्स बेटर टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर एवरीथिंग, डू अ प्रॉपर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और उसके बाद आंसर्स लिखिए. ठीक है, डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ सिलेक्टिव स्टडी. यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये कोई ग्रेजुएशन का पेपर नहीं है कि कुछ भी पढ़ के चले गए और जो आया कुछ भी लिख के आ गए. ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर. ठीक है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डेवलपिंग स्पीड रीडिंग. अब ये चीज कई बार स्टूडेंट्स को नहीं पता होती जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन हैम्पर होती है. देखो यार टेक्निकली आप जब मैंने आपको बोला कि आपको 3 बार रिवीजन करना है तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 बार कैसे रिवीजन करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है. मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे हम कहते हैं स्पीड रीडिंग. स्पीड रीडिंग का क्या मतलब होता है, स्पीड रीडिंग का सिंपल से मतलब यही होता है कि पहली बार जब आपने पढ़ाई करी, पहली बार जब आपने रीडिंग करी तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया और उस समय क्या किया, जो भी आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स, अगर आप कोई कॉम्प्रिहेंसिवली बुक रिफर करते हो तो बुक के अंदर आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लीजिए. आप सब लोग हाईलाइटर का इस्तेमाल करते होंगे, उस पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए. जब आप दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, लेट से आप 15 दिन के बाद रिवीजन कर रहे हैं या 20 दिन के बाद रिवीजन कर रहे हैं, दूसरी बार आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको स्पीड रीडिंग करनी है, मतलब तेज तेज पढ़ना है जो भी कॉन्टेंट है, जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, बट उन कीवर्ड्स पे जो कीवर्ड्स आपने हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है, उनको आपको फोकस करके रिकॉल कर लेना है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आप पूरा का पूरा पैराग्राफ रिमाइंड कर पाए. मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद है जो मुझे आदत है, जो मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे करता था ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, कि अगर मैंने 2 पन्ने पढ़े या 4 पन्ने पढ़े तो मैं क्या करता था, हर पन्ने के राइट हैंड साइड पे जो व्हाइट में स्पेस होती है उसमें कुछ वर्ड्स लिख लेता था. और मैंने ये रियलाइज किया कि ड्यूरिंग माय स्टूडेंट ईयर्स और ड्यूरिंग माय कॉलेज ईयर्स हुआ क्या कि जब मैं उसको रिवीजन करने बैठता था, मैं सिर्फ वो 4-5 वर्ड्स जो मैंने पैराग्राफ से निकाल के साइड में लिख दिए होते थे वो पढ़ लेता था और मुझे सारा रिकॉल हो जाता था कि यार इस पूरे पेज में क्या लिखा हुआ है. तो अगर ऐसा कुछ आप कर पाते हैं या ऐसा कुछ आप बना पाते हैं व्हाइल यू आर रीडिंग, गिविंग योर रीड फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज द एंटायर सिलेबस एंड रिकॉल दोज कीवर्ड्स आल्सो, बिकॉज वो कीवर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जो यहाँ पे मिस आउट हो गया था, एंड द पॉइंट इज रिगार्डिंग योर टेस्ट सीरीज.
जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपरली कम से कम 5 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, कहीं से भी टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर लीजिए, बट 5 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं फॉर योर एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, अभी भी हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करी थी जो अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, बहुत कम लोगों ने हमें मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्व करके दी। वी टोल्ड देम कि भाई हम आपके चेक भी कर देंगे, हम आपको फीडबैक भी दे देंगे, बट मुझे अच्छी तरीके से याद है बहुत कम लोगों ने पूरे 5 मॉक टेस्ट सॉल्व करके हमें दिए थे। तो अगर आप पूरे मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करते हैं तो समवेयर यू आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रैक्टिस। तो हमेशा कोशिश करिए कि कम से कम 5 मॉक टेस्ट हर सब्जेक्ट की, चाहे वो जीएस का पेपर हो या वो ऑप्शनल हो, बेसिकली उसको प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। एटलीस्ट इतना तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये वो 10 चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। आई होप कि इन चीजों से आपको फायदा मिला हो, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई हो कि भाई किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन ऑलवेज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद अ कोर्स फॉर यूपीएससी कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट ऑप्शन, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 9999466225, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@anujindal.in, या फिर यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.anujindal.in, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक चैनल फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं, कोर्स रिलेटेड वीडियोस भी, कुछ सैम्पल वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं, द नेम ऑफ द चैनल इज UPSCpedia by Anujindal, ठीक है। इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कीप गेटिंग ऑल द अपडेट्स, ठीक है। चलो, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट। और अगर लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।